गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे हम, और इसमें हमारा चल रहा था टॉपिक चैप्टर विनिर्माण उद्योग। कौन सा चैप्टर चल रहा था? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण के बारे में आपने पढ़ लिया था और मैंने बताया था अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित तीन क्षेत्रों में बांटा गया था, प्राथमिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। उद्योग किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे हम उद्योगों का वर्गीकरण। किस बात करेंगे? उद्योगों का वर्गीकरण। किन किन आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, इन सब पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। अब सबसे पहले प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तीसरा है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और चौथा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कुल मिलाकर चार भागों में डिवाइडेशन किया गया है वर्गीकरण। पहला प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा किया गया है प्रमुख भूमिका के आधार पर, क्या भूमिका है उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तीसरा पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। और इसके बाद स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। चीज को समझोगे आप कि उद्योगों को कैसे किन किन भागों में किस प्रकार विभाजित किया गया है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, तो प्रयुक्त जो कच्चे माल, कच्चा माल, कच्चा कृषि, कच्चा माल ही फसल होती है, कच्चा माल होती है, कृषि है, अब उसमें चाय है, कॉफी है, चीनी है, गन्ना है, ये सब कच्चा माल है जो हम प्रकृति से सीधा सीधा प्राप्त करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर हो गया, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, पहला कृषि आधारित और दूसरा खनिज आधारित। अब कच्चा माल क्योंकि हमको खनिज भी खानों के माध्यम से प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, वहीं कृषि भी हमको प्रकृति से प्राप्त होती है, सीधी सीधी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो दो भागों में विभाजित किया गया है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, पहला कृषि आधारित, दूसरा खनिज आधारित। अब कृषि आधारित जैसे उदाहरण के रूप में कृषि में सूती वस्त्र है, कृषि आधारित है क्योंकि कपास से तैयार होता है धागा और धागे से तैयार होता है वस्त्र, समझ गए। तो कपास कृषि में आता है, कपास कृषि में आता है, कपास जिसकी रुई बनती है, धागा बनता है, धागे से कपड़ा तैयार होगा। तो सूती वस्त्र कृषि पर आधारित, जैसे सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, चीनी है, चाय है, हैं, कॉफी है, कॉफी है, चाय है, इधर चाय है, कॉफी है, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चीनी, कॉफी, चाय, ये कैसे हैं? कृषि आधारित है। कैसे हैं? कृषि आधारित। मैंने कहा था कि गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है ना। कॉफी, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, ये किसमें आएंगे? कृषि आधारित आएंगे। किससे आएंगे? कृषि आधारित आएंगे। अब बात करें खनिज आधारित, कौन सा? खनिज आधारित।
और दूसरा भाग कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दूसरे भाग में विभाजित किया गया है खनिज आधारित। कौन सा किया गया है? खनिज आधारित। अब खनिज आधारित में लोहा है, खानों से निकलता है लोहा तथा इस्पात खनिज आधारित है, सीमेंट भी खनिज आधारित है, सीमेंट भी हमको पत्थर के माध्यम से सीमेंट निकलता है, पत्थर पहाड़ों में निकलता है, खानों में निकलता है, पत्थर की पिसाई में सीमेंट बनता है, पत्थर है सीमेंट है। एल्यूमिनियम है, कौन सा है? एल्यूमिनियम दिख रहा है क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से निकलता है, खानों से निकलता है। तो खनिज आधारित में मैंने उदाहरण लिखे हैं कि खनिज आधारित में लोहा है, इस्पात है, सीमेंट है और एल्यूमिनियम है। कौन सा है? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो ये क्या है? खनिज आधारित है, समझ गए। तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जो प्रयुक्त कच्चा माल है उसके स्रोत के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है उद्योगों को, पहला कृषि आधारित और दूसरा खनिज आधारित। तो कृषि आधारित में जैसे सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, चीनी है, कॉफी है, चाय है, ये कृषि आधारित है। वहीं खनिज आधारित में लोहा है, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, मशीन है, ये भी इसमें आएगी। तो इस प्रकार की चीजें खनिज आधारित हो गई, ठीक है। अब कृषि आधारित, खनिज आधारित इसमें क्या है? प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। अब दूसरा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, किसके आधार पर? प्रमुख भूमिका के आधार पर। अब प्रमुख भूमिका के आधार पर बात करें तो दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग दो भागों में विभाजित किया गया है, आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग, दो भागों में इसे विभाजित किया है। प्रमुख भूमिका के आधार पर क्या भूमिका है? आधारभूत उद्योग, देखो आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन है कच्चे माल पर दूसरे उद्योग मैं इधर लिख देता हूं, जिनके उत्पादन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है। आधारभूत उद्योग का मतलब हो गया जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक है, लोहा इस्पात है, तांबा प्रगलन है, एल्यूमिनियम प्रगलन है, ये कैसे हैं? आधारभूत उद्योग है। कैसे हैं? आधारभूत उद्योग है जिनके उत्पादन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन। उपभोक्ता उद्योग वे उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, वे उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी सीधे उपयोग करते हैं अपन, दंत व्यंजन होती है सीधे उपयोग करते हैं, कागज हमारी कॉपी किताब यूज ले रहे हैं, पंखे हैं, सिलाई मशीन है, ये ऐसी चीजें हैं जो उपभोक्ता उद्योग में आती है। किसमें आती हैं? उपभोक्ता उद्योग में आती हैं। दूसरा प्रकार प्रमुख भूमिका के आधार, इसके आधार पर प्रमुख भूमिका के आधार पर, पहला आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में। प्रमुख भूमिका के आधार पर दो भाग, पहला आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग, क्लियर। इसके बाद तीसरा बात करें पूंजी निवेश के आधार पर। अब पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के
परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है, ठीक है ना। तो पूंजी निवेश के आधार पर 1 करोड़ रुपए तक वर्तमान में स्वीकार्य है अधिकतम निवेश। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है ना। जैसे अपन कह देते हैं वृद्ध उद्योग, लघु उद्योग, सीमांत उद्योग, बांटा गया था लघु उद्योग, वृद्ध उद्योग, लघु उद्योग और सीमांत उद्योग। बड़े बड़े उद्योग वृद्ध उद्योगों में आएंगे, लघु उद्योग छोटे हैं जिनका एकड़ क्षेत्र भी छोटा हो और उनकी निवेश राशि भी छोटी हो। सीमांत उद्योग छोटे छोटे हम उद्योग डाल देते हैं, घर कुटीर उद्योग जिनको बोलते हैं। तो ये निवेश के आधार पर है, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद चौथा है स्वामित्व के आधार पर। इसके आधार पर स्वामित्व के आधार पर, अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया 4 भागों। कितने भागों में? 4 भागों। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, लघु उद्योग और संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग, 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आधार पर स्वामित्व के आधार पर, अब सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जिनमें जिनका अधिकार क्षेत्र है सरकार का है, जिनमें अधिकार क्षेत्र किसका है सरकार का है, वो सरकारी क्षेत्र कहलाते हैं। अब निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का मतलब कि ये निजी हाथों में या जनता के हाथों में जो उद्योग है, जो जनता के निजी उद्योग होते हैं, समझ गए, जो जनता के निजी उद्योग होते हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा समूह है, रिलायंस टाटा समूह ये नहीं देखे कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस की पेट्रोल पंप है, जैसे टाटा समूह टाटा की गाड़ियां की कंपनी है, मारुति की कंपनी है, हीरो होंडा की कंपनी है, ये कैसी है निजी उद्योग, निजी क्षेत्र में ये उद्योग डले हुए हैं। जैसे कुछ चीनी मिले, सूती वस्त्र मिले, वो भी निजी उद्योगों में डली हुई है। तो निजी क्षेत्र में जो निजी हाथों में हो, जिनका मानेंगे निजी हो, जनता हो, जनता का कोई व्यक्ति हो, वो निजी उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, जो सरकार की कंपनी हो, एक सरकारी कंपनी हो, सरकारी उद्योग कहलाता है। संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होती है, यानी सरकार और एक व्यक्ति का शेयर उसके अंदर होता है। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होती है, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। एक होता है सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, अब सहकारी होता है जहां जनता के द्वारा एक समूह बनाकर और किसी उद्योग का संचालन किया जाए, वो सहकारी क्षेत्र कहलाता है। जनता के एक समूह के माध्यम से किसी प्रकार की योजना या उद्योग का संचालन किया जा रहा है, वो सहकारी उद्योग कहलाता है। तो इस प्रकार स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त उद्योग, सहकारी उद्योग, ये 4 भागों में स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। तो इस प्रकार मैंने उद्योगों का वर्गीकरण आपको बताया, महत्वपूर्ण था उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योगों के वर्गीकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। कितने भागों में?
चार बार हो गए। तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दो भाग करते हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। प्रमुख भूमिका के आधार पर दो भाग करते हैं, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, और पूंजी निवेश के आधार पर बृहद उद्योग, लघु उद्योग, सीमांत उद्योग, और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। ठीक है ना, इस प्रकार चार भागों में स्वामित्व के आधार पर भाग दिया। अब अत्यधिक भार और हल्के उद्योग भी होते हैं, जब भारी उद्योग इनको कहते हैं और हल्के उद्योग इनको कहते हैं, तो पूंजी में आ जाएंगे हल्के और भारी उद्योग। अलग अलग डिवाइडेशन दे रखा है किताबों कि हल्के उद्योग और भारी उद्योग, हल्के उद्योग भारी उद्योग दे रखे हैं। तो हम मैंने बताया था पूंजी के आधार पर निवेश किया गया है, निवेशता के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अब निवेशता के आधार पर कैसे, या तो उसका वर्ग क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है या उसकी लागत के आधार पर किया गया है, पूंजी लागत के आधार पर। तो उसमें वो एक ही विभाजन किया गया है, बृहद उद्योग, लघु उद्योग और सीमांत उद्योग। उसी प्रकार हल्का उद्योग और भारी उद्योग हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने जो बताए चार, उनके अलावा इसमें पांच में चार आधार पर मैंने वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल के आधार पर दो भागों में बांट दिया, कृषि आधारित, खनिज आधारित, फिर भूमिका के आधार पर दो भागों में बांट दिया, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, और उसी प्रकार फिर स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांट दिया, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब सरकारी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र निजी आत्म होता है, संयुक्त क्षेत्र दोनों को मिलाकर संयुक्त क्षेत्र हो गया, जहाँ सरकार का हिस्सा हो, निजी व्यक्ति का हिस्सा हो। सहकारी क्षेत्र यानी एक समूह के द्वारा किसी चीज का संचालन किया जाए, सहकारी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार इनका विभाजन कर दिया। ये था आपका उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है ना, उद्योगों में मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, मैंने उद्योगों के बारे में बताया आपको कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण किसी भी चीज को दोबारा बनाना। उस पर मैंने कृषि आधारित क्षेत्र मैंने आपको बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पिछले वीडियो में, और उन क्षेत्रों के बाद में हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया। अब कौन कौन से उद्योग हैं, जो उद्योग हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो, या फिर लोहा उद्योग हो, या फिर सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, इन तमाम उद्योगों पर हम एक एक उद्योग पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो अब जैसे एक एक उद्योग कौन से उद्योग की कब स्थापना हुई, जो भी महत्वपूर्ण बनती है तुम्हारे सिलेबस के आधार पर, सूती वस्त्र है, चीनी है, लोहा आयस्क है, रासायनिक है, सीमेंट उद्योग है, इन उद्योगों पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, उतार दोस्तों।